हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम अक्टूबर 2017 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का इंग्लिश का पार्ट चल रहा है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, ठीक है, तीसरा भाग है ये। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी हिंदी का पार्ट सॉल्व किया जा चुका है और ये तीसरा भाग इंग्लिश का चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें पैसेज दिए गए हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 65, ठीक है, दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा और इस पैसेज को पढ़कर आपको इसमें से ही आंसर देना है। 61 से 65 यानी 5 क्वेश्चन है इस पैसेज से। ओके, तो चलिए रीड कीजिए आप लोग, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स, दे कैन डू द 3 थिंग्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट डू, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ, इसको आप पढ़िए और उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दिया गया है, द वर्ड कंजेस्टेड, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, यहाँ पे कंजेस्टेड ये पैसेज में वर्ड दिया गया है, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। स्टूडेंट्स, द प्लेस हैज नो प्लेस, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। कंजेस्टेड का मींस द प्लेस हैज नो प्लेस, इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ थोड़ी सी भी जगह न हो, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ थोड़ी सी भी जगह न हो। और कंजेस्टेड का मीन्स क्या होता है, कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला स्थान, ठीक है, कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला स्थान। और द प्लेस हैज़ नो प्लेस, इसका मीन्स होता है ऐसा स्थान जहाँ थोड़ी भी जगह ना हो। तो दोनों सिमिलर हुए, ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ हेलीकॉप्टर कैन होवर वाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, होवर इन द पैसेज मीन्स, होवर का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन में से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, ठीक है। होवर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, होवर का मीन्स होता है हवा में एक ही स्थान पर टिके रहना, ठीक है। अब इसका मतलब मीन्स इसी के सिमिलर जो है यहाँ पे इस ऑप्शन में से क्या होगा, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, ओके, इसका इसके द्वारा ये व्यक्त किया जा सकता है, होवर और ये दोनों, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा एक, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला है पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करना है परफॉर्म जो वर्ड है ये पैसेज में दिया गया है, ये क्या है ग्रामेटिकल कैटेगरी में, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ब, ठीक है। ये जो परफॉर्म दिया गया है वर्ड जो कि पैसेज में है ये है वर्ब, ओके। तो किसी कार्य को करना, परफॉर्म का मतलब होता है किसी कार्य को करना, यह एक वर्ब है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग एम्बुलेंस के रूप में क्यों किया जाता है, इसको इन चारों ऑप्शन में से छांटना है कौन सा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजिली, ठीक है, यह न पहुंचने वाले स्थानों पर भी आसानी से पहुंच जाता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज, ठीक है, वेरी ये कौन सा इनमें से ग्रामेटिकल कैटेगरी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब, ठीक है, जो वेरी है ये एडवर्ब है यहाँ पर, या जो कि एक एडजेक्टिव डिफरेंट की विशेषता बता रहा है,
ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे है पैसेज में एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है वेरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है ये। टू च्यू द कर्ड करेक्टली मीन्स, इसका सही मतलब क्या है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर होगा टू मीडिएट, ऑप्शन सी। ठीक है, मध्यस्थता करना, टू च्यू द कर्ड का मीन्स होता है मध्यस्थता करना, इसका मतलब होता है। और किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक या धीरे धीरे सोचना, इस मुहावरे के अर्थ को हम टू मीडिएट, ऑप्शन सी के द्वारा ये व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मध्यस्थता करना या किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक या धीरे धीरे सोचना, ये इसका मतलब होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, टू मीडिएट। अगला क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया गया है, इसको देख लीजिए कि कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर 67 to 69 विथ मोस्ट एसोसिएट चॉइस। ठीक है, अभी यहाँ पर, अब ये पैसेज से नहीं है, ये यहाँ पे नॉर्मली ऑप्शन दिया गया है, इसी में सेलेक्ट करके ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर करना है। देखिए क्या है, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड, उसके बाद यहाँ ब्लैंक दिया गया, यहाँ पे क्या फील होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ। ठीक है, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ, उसके आगे भी सेंटेंस है हिज मिसचीफ। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशेम्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, अशेम्ड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ऑफ और इसके आगे जो भी है, तो अशेम्ड ऑफ समथिंग ये क्या है, किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना, इसका मतलब। ठीक है, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना, अतः रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ, वह अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक, ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव अमेरिका। ठीक है, ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर हैड। ठीक है, हैड इसका सही आंसर होगा, यहाँ दिए गए रिक्त स्थान पर हैड का प्रयोग किया जाएगा, हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, यदि वह प्रथम आया होता तो वह अमेरिका गया होता। ठीक है, तो यहाँ पे हैड का यूज होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं रोकती हूँ, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखा जाएगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्टली, और ऑन योर नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि जब भी न्यू अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के लिए गाइडलाइंस इससे लेते रहें। और भी स्टूडेंट्स, आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।